मान के चलिए 50-50 हिस्सा रहेगा, क्योंकि इस समय स्कूलों का महंगाई सबसे ज़्यादा प्राइवेट का है, किताब कापी हर चीज़ महंगा हो रहा है। विकास उनका होता है जिनके पास पैसा होता है। आज भी तुम हिस्ट्री उठा कर देखो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे घर दिखा दूँ जिन पर मकान नहीं है और यहाँ किराए पर दो रोटी टाइम से भी नहीं मिल पा रही। यह विपक्ष वाले हमेशा रोते रहेंगे और रोते रहेंगे। महंगाई तो हम दम कर देते हैं, अनाज महंगा होना चाहिए, गेहूँ महंगा होना चाहिए, सो सरकार को बेबस करना पड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए भाई। क्लियर कोई भरोसा बीजेपी को तो क्लियर है। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार योगी की बनेगी 100%। क्या ना तो शौचालय मिलो ना घर मिलो, घर और टूटा पड़ो। कुर्सी चिपका हुआ सरकार है। कुर्सी चिपका हुआ क्या मतलब? जैसे कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उधर से इधर पकड़ के रखो। अब देखो केंद्र में बैठेगा योगी और यूपी में बनेगी मायावती की सरकार, जब चलेगा ताज, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो सरकार बनने के लिए तो अब जो चल रही वही चल रही, और बदलने को बदल बनती है तो कुछ लाभ होता है तो विकास होता है। यही विकास, विकास का विकास यही चाहिए, काम लोगों को काम धंधा चाहिए और क्या चाहिए भाई। बिहार में तो हमारे अभी जब से नीतीश जी आए हैं तब से काम अच्छा ही हो रहा है, खराब तो हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव पास है, मुद्दे कई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार विपक्ष इस पे सरकार पर पूरी आक्रामकता के साथ आता है और बताता है कि महंगाई कितनी है। इन्हीं तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये लोग 2024 में वोट किसको करेंगे या महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। भैया क्या नाम आपका? सुधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। तो ये बताइए 24 में सरकार कैसी देखते हैं आप? 24 का सरकार बदलाव होगा तो सही रहेगा। बदलाव क्यों होगा? बदलाव होगा, रोजगार बेरोजगार लोग हैं, महंगाई भी बढ़ गया, हर चीज़ पर टैक्स देना है। अच्छा, बिहार की सरकार देखते हैं जिस तरीके नीतीश कुमार चला रहे हैं वहाँ पे, और उत्तर प्रदेश भी मौजूद हैं आप, तो योगी आदित्यनाथ सरकार, दोनों में कुछ अंतर नज़र आता है आपको? वो तो अंतर है, यहाँ का सरकार तो सही है योगी का, बिहार का तो नीतीश कुमार तो ठीक है नहीं अभी। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार कहते रहते अपने आप को, वो एक आप ये कह लें कि पीएम का फेज ही बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने काबिल हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ बदलाव होगा? वो तो उनका सपना ही रह जाएगा, सपना तो हर आदमी देखता है कि प्रधानमंत्री बन जाए। विकास कैसे आपके यहाँ? विकास तो नहीं है अभी, बहुत कम है, बहुत कम है अभी। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष रजा। तो 24 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? बढ़िया जाएगा, मोदी ही जीतेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार यूपी में कुछ नज़र आता है आपको अंतर? यूपी बढ़िया चल रहा है अभी। नीतीश तो कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। नहीं बनेंगे, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। लेकिन तो कहते हैं लगातार ना कि हम बनेंगे। कहने से नहीं होगा, जनता बनाएगी ना उनको, जनता जो चाहेगा जो बनेगा। कहने से नहीं होगा, जनता बनाएगी बिल्कुल। भैया क्या नाम आपका? इंदर कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? हम गोरखपुर महाराजगंज जिले के। महाराजगंज में क्या माहौल है इस समय? माहौल क्या, किस चीज़ का माहौल पूछ रहे हैं? लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव वहाँ लगभग बीजेपी का है, थोड़ा मान के चलिए 50-50 हिस्सा रहेगा, क्योंकि इस समय स्कूलों का महंगाई सबसे ज़्यादा प्राइवेट का है, किताब कापी हर चीज़ महंगा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इस बार 50-50 रहेगा महाराजगंज में। तो महाराजगंज में यूपी सरकार की योजनाएं को, जो योजनाएं बताते हैं अपने, इसका लाभ मिलता है आप लोगों को? हाँ, कुछ योजनाएं जैसे शौचालय मिला था, शौचालय मिला था और ये आवास वास मिला था, लेकिन महंगाई कुछ ज़्यादा है इसमें। महंगाई ज़्यादा भैया, जिस तरीके से कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है और 50-50 का मामला होगा 24 लोकसभा चुनाव में, क्या कहते हैं आप? देखो अब क्या, हम तो राहुल गांधी को जाएंगे, अब क्या मोदी जी को देगी, बहुत दिक्कत आ रही है पब्लिक, महंगाई बहुत हो रही है। ये नोएडा का तो कोई नाम लेता ही नहीं है, जो भी बन जाता है नोएडा में ही नहीं देखता है कोई, जैसे मजदूर सबसे ज़्यादा नोएडा के अंदर हैं, नोएडा को तो छोड़ देते हैं बिल्कुल। नोएडा में कम से कम 70% बेरोजगारी हो चुकी है नोएडा के अंदर, तो अब क्या राहुल गांधी जी को वोट जाएंगे? राहुल गांधी वोट जाएंगे, तो राहुल गांधी वोट क्यों जाएगा? राहुल गांधी सदस्यता भी चली गई है और बहुत हैं उनकी, उसमें ऐसा नहीं है कि वो चली गई सदस्यता, और बहुत हैं, राहुल गांधी को ही जाएगी वोट। उसके ज़माने में ही ये सब कुछ, ये रोजी रोटी सब कांग्रेस के राज में तो है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? फ्री राशन मिलता है? नहीं, मेरा राशन कार्ड था, 3 बच्चे मेरे पे, राशन भी कार्ड था, मैंने बहुत कोशिश करी बनवाने की, अब मैं किसी मजबूरी के खातिर यहाँ से गांव नहीं जा पाया, बुलंदशहर गाँव में नहीं जा पाया, तो मेरा ऑनलाइन राशन कट गया था, उस दिन से बना नहीं है। अच्छा, बुलंदशहर में सांसद कौन है आपका?
ये तो मुझे पता नहीं। विधायक? अब काफ़ी दिन से हम रहते नहीं हैं वहाँ पे। हाँ मोदी जी का ही है वैसे, इतना पता है। जो है वो बीजेपी का सांसद है, विधायक है। हाँ। तो बुलंदशहर में विकास किस तरीके से देखते हैं आप? विकास वहाँ पे हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है? देखो ऐसा है, विकास उनका होता है जिनके पास पैसा होता है। आज भी तुम हिस्ट्री उठा कर देखो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे घर दिखा दूँ जिन पर मकान नहीं है और यहाँ किराए पर दो रोटी टाइम से भी नहीं मिल पा रही। जिनकी अब मेरा भाई है एक, अभी हम पे ना तो कोई ज़मीन जायदाद, बिल्कुल जो कमाते हैं वो खाते हैं। मेरे भाई पे इतनी बड़ी लड़की हो गई है, अकेला करे तो क्या करे, खाने के लिए पोत पूरा नहीं हो रहा है, पैसा वैसा कुछ बचता ही नहीं है। नौकर उस पर तीन बच्चे हैं, बच्चे ने पाल है, पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं रही उस पर। उसके गाँव में जाकर देखोगे ना, उस पर रहने के लिए अभी घर भी नहीं है। तो 24 में वोट किसको करेंगे आप? कांग्रेस को होगी। कांग्रेस को वोट करेंगे आप? मेरा नाम रतन सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? जिला हमीरपुर का। हमीरपुर। 2024 में सरकार कैसी देखते हैं आप? किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो फिर मोदी की सरकार आएगी। मोदी की सरकार क्यों आएगी? विपक्ष लगातार कहता है महंगाई बहुत है सरकार में, चार जितनी महंगाई बच नहीं रहे। हमीरपुर में विकास होता है? हाँ। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ सरकारी मिलता है। हमें तो दो आवास भी दिए, दो लैटरें भी दिए, सिलेंडर भी दिया, अब क्या करें बताओ। दो मकान क्या कर रहे चाचा आप? हाँ मेरे को मकान नहीं दिया। किसकी सरकार आप चाहते हैं 24 में? अब सरकार चाहे काउकी भी आए, या मेरे को क्या पता किसकी आएगी, ये तो आगे बताएगा, चुनाव बताएगा ना, अभी मैं क्या बता। अच्छा अभी बीजेपी से कितना खुश हैं आप? बीजेपी कामों से, सरकारी योजनाओं से जो बताते हैं राशन कार्ड मिलता है? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आवास तो नहीं मिला आपको? क्यों ना मिला, आप इतना कह रहे आवास नहीं मिला? मकान नहीं मिला ना। राशन मिलता है? राशन मिलता है। शौचालय मिला आपको? नहीं मिला। कहाँ रहने वाले हैं आप? मेरा तो यहाँ पर है दादरी रिंगा प्लाट, मेरे को कुछ सुविधा ना मिली। आप जैसे कहो कि मेरे के लिए मतलब लोन दे दो, कैसे देंगे कि यहाँ का लोन पास ही नहीं है। अच्छा राहुल गांधी जो पैदल यात्रा निकाले थे, आपको लगता उसे कुछ फर्क पड़ता? कोई फर्क ना पड़ा। या तो कांग्रेस तो बेकार हो गई, कांग्रेस बिल्कुल बेकार हो चुकी, इसमें कोई ना हो। जो ये लगातार विपक्ष बताता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई भी तो है। यह विपक्ष वाले तो हमेशा रोते रहेंगे और रोते रहेंगे, समझ में आएगी ना। हाँ चाचा जिस तरीके से कह रहे हैं विपक्ष कोई मतलब नहीं, विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ बस सही बात कह रहा हो भाई। सरकार देखो अभी फिर मोदी की बनेगी, हम मोदी की जगह पे योगी बैठेगा, ये गारंटी है। हमारे यहाँ बहुत कुछ कर दिया उसने जिला हमीरपुर में। और देखो कि ये जो बैंक भाग गई थी, उस बैंक का कर्जा चुका रहा है वो, हमारे जो बीमा जमा थे वो कर्जा चुका रहा है। लेकिन ज़्यादा विकास तो नहीं हो रहा ना बीजेपी सरकार में? हमारे बिजली का ये विकास तो हमारे यहाँ है, पूरा बिजली का विकास है, रोड भी बन गया, सब कुछ हो गया। मोदी ने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ दिए? तो 2 करोड़ रोजगार कहा था तो ये नहीं दिए, तो अब हम क्या करें? दिए होंगे तो कहीं कहीं दिया होगा, कहीं कहीं दिया होगा भाई, एक जगह तो दे नहीं पाएगा वो। कोई सरकार बने तो नहीं एक जगह दे पाएगी। हम कहा कि 2000 यहाँ से दे दे नौकरी, तो यहाँ से 2000 नहीं देगा, एक यहाँ का लेगा, एक वहाँ का लेगा, एक वहाँ का लेगा, एक वहाँ का लेगा, ऐसे देगा 2000 करके, नहीं देगा ऐसे नहीं देगा। अच्छा लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि जो पैसा था अडानी वाला, ये सारा पैसा मोदी का है, अडानी उनके मैनेजर हैं। अब ये नहीं बता सकते भाई हम, इसी मामले में देख रहे हैं राहुल गांधी को अंदर करवा दिए लोग। ये नहीं हम बता सकते कि राहुल गांधी को अंदर करवा दिया कि नहीं करवा दिया। और राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी की चाल बगत है, यही ईडी सीबीआई गलत फायदा उठा रहे हैं ना। बीजेपी की क्या चाल है? बीजेपी तो सरकार बढ़िया कर रही है, काम बढ़िया कर रही है वो कौन सी महंगाई कर रही है? कोई महंगाई नहीं कर रहा, महंगाई तो हम दम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? किसान धरना बांध के बांध जाते हैं कि हमारा काम महंगा होना चाहिए, अनाज महंगा होना चाहिए, गेहूँ महंगा होना चाहिए, सो सरकार को बेबस करना पड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए भाई। अच्छा आते हैं आपके पास। अच्छा भैया क्या नाम आपका? मेरा दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में क्या माहौल, 2024 में सरकार कैसी देखती है आप? बढ़िया थी सरकार, सब बढ़िया भैया, सब कर रही है अपने, सब बढ़िया करती है। बीजेपी से कितना खुश हैं आप? जो चली सरकार इससे बढ़िया, संतुष्ट हैं भैया हम तो। रोजगार मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। राशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा।
सरकार तो कहती है हम राशन दे रहे हैं लगातार, कोरोना काल हमने दो दो बार राशन फ्री में दिया। राशन तो हमारा गांव में है, हमारा कार्ड भी नहीं बना, हमारा गांव बनवाया कई बार बना ही नहीं। क्या नाम भैया आपका? कैलाश। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला एटा के। अच्छा, एटा में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सड़कें वहाँ की बन रही हैं? सड़कें बन रही हैं, कुछ कुछ बन रही हैं, कुछ बाकी है। 2024 में सरकार कैसी देखते हैं आपको, लगता है विपक्ष आएगा या बीजेपी फिर से एक बार जीतेगी? भाई उम्मीदवार है भाई, क्लियर है, कोई भरोसा बीजेपी चाहे बीजेपी को तो क्लियर ही क्लियर है। बीजेपी क्लियर है, लेकिन बीजेपी जो महंगाई कर रही है इससे क्या होगा? महंगाई का नहीं पता क्या होगा, महंगाई को नहीं पता क्या होगा, मजदूर आदमी है, रोज खाना रोज लेना करेंगे। कितनी मजदूरी होगी आपकी भाई? होगी 100-200 रुपया तो कह रहा हूँ। खर्चा कैसे चलता आपके इतनी महंगाई में? खर्चा भगवान दे रहा हो, कौन सा दे रहा हुआ है। सरकार अच्छी है आपकी नज़र में? सब नज़र सही है, आप क्या करो जाए, सही है तो ना सही है तो ना ना तो सरकार और कुछ दे दे ना सरकार जो दे दे हमें तो भैया काम करने तो रोटी मिलेगी। अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है हमको, हमारी मम्मी। आवास मिला आपको? आवास क्या चीज़ होता है? मकान नहीं मिलेगा हमको। शौचालय? शौचालय मिला था, शौचालय मिला था, आवास नहीं मिला भैया। मकान भी मिला ना, आवास मिला गाँव में हमारे। अच्छा, आपके यहाँ के सांसद कौन है? कौन सांसद और विधायक कौन आपके यहाँ के? मेरे यहाँ चलती प्रधानी, प्रधान चलती, प्रधानी सांसद मुझे चलता। आपके जिले का सांसद कौन है? अब ये मुझे नाम पता नहीं, मुझे बता दे जिला फिरोजाबाद सांसद का पता नहीं मुझे कौन है क्या। अच्छा, फिरोजाबाद के सांसद आपको जानकारी नहीं है, तो आवास और शौचालय दोनों आपको नहीं मिला? नहीं मिला। इसके लिए आप गए प्रधान के पास? गया था। क्या बोलते हैं? ये बोला कि अभी आएगी तब दिलवाएंगे, अभी स्टे लग गया, ये वो सबको मिल गई, मुझे तो मिली नहीं अभी तक, ना आवास मिला और ना। तो 24 सरकार किसकी देखते हैं आप और क्यों देखते हैं? अब सरकार क्या, मैं मेरी थोड़ी बनाने से बनेगी, जो सब बनाएगा उसकी बनेगी भाई। फिर भी आपको क्या लग रहा है, जनता के बीच में आप लोग रहते हैं या घर आते जाते हैं? घर जाता हूँ, महीने 6 महीने में जाता हूँ, 2 दिन रहता हूँ, उसमें क्या देख लूँगा मैं बताओ। सरकार से खुश हैं आप? हाँ, मैं सब खुश हूँ, तो मैं भी खुश हूँ, मुझे सिर्फ क्या लेते हैं। आपको सबसे मतलब, अपने आप से मतलब नहीं है? अपने आप से क्या है भाई, जब मुझे कोई सुविधा मिल नहीं तो क्या मैं किसी के पास जाऊँ लड़ूँ या क्या, कमी दे दो। क्या कह रहे हैं? न तो लड़ाई से मिला कोई चीज़, ना तो कोई चीज़ लड़ाई से मिला, जो सरकार बननी है से तो बननी है। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार योगी की बनेगी 100%, रुकेगी कहीं पे नहीं। क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं यूँ कह रहा हूँ कि ना तो शौचालय मिलो, ना घर मिलो, घर और टूटा पड़ो, पैसा खा में जहिया में पैसा लेकर भग जाओ और कहा होएगो, यू होएगो। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप? जिला बुलंदशहर कस्बा खानपुर सियाना क्षेत्र बारावस्ती। बारावस्ती, बहुत सही आपने बताया। तो आपके यहाँ के सांसद कौन है? सांसद का मतलब मुसलमान है चेयरमैन। किस पार्टी से? किस पार्टी से मतलब? पार्टी किसकी है? मुसलमान है टोटल। पार्टी कौन सी पार्टी, सपा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कौन सी पार्टी? यही मोदी वाली है। मोदी वाली पार्टी है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता आपको? मेरा बनाया ना किसी ने, आधार कार्ड बनवा, 10 फेरा बनवा, विकलांग बना के छुट्टी कर दी, और क्या, विकलांग तो मैं हूँ ही पहले से ही, मुझे तो कुछ भी ना मिल रहा आगे से, क्या करूँगा, मजदूरी करूँ बेलदारी, जब पेट भरूँ बालकन को, और हॉस्पिटल में जा मैं बालकन को लेकर 25 चक्कर तो कटवाएंगे, जब जाके इलाज होएगा इंजेक्शन ठोक दे जाओ, चाहे 1000 रुपया ले गाड़ी वाला, चाहे 2000 ले। अपनी इस समस्या को लेकर आपके यहाँ जो सांसद हैं, जो विधायक हैं या जो आपके प्रधान हैं, उन लोगों के पास गए आप कभी? कोई ना सुन तो पेट भरा सब अपना अपना। क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बोले, जा मैं करवा देंगे, करवा देंगे, बस जो हमारे वहाँ गाँव का चेयरमैन है वो तो कुछ कर ही ना रहो। गाँव का प्रधान कुछ नहीं कर रहा है, वोट तो आप ही लोग देते हैं। चेयरमैन है, चेयरमैन का, चेयरमैन कुछ नहीं करता। क्या नाम उनका? मुस्तफा। मुस्तफा, तो मुस्तफा के पास आप गए थे अपनी समस्याओं को लेके? खूब गए। क्या बोलते हैं वो? जामे चाय पानी की बात करके, दादा हमारे बड़े बूढ़े हैं, 99 साल चल रही है, ओके मैं तो ठीक है चाचा, हो जाएगा बस, यू काम हो गया, और अगर टूटा पड़ो कोई भी जाके देख लो, गिरवा पड़ो बारिश में, क्या करेंगे, वहाँ में रहेंगे या बाहर रहेंगे, महीना में जा मैं दूसरे के यहाँ सो के चले जा मैं 2-4 दिन रह के बस। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। हम तो बिहार के रहने वाले, बल्कि बेललपुर में रहते हैं हमेशा आज से। तो सरकार कैसी चाहते 2024 में?
मोदी है और क्या। ये तो कह रहे हैं मोदी सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पी के बोलेगा तो ऐसे ही होगा, देश के अर्थव्यवस्था ऐसी। तू राहुल के बना देगा तू मोदी? मैं ना बनाऊँ, जो आ रहा हूँ तो आएगा ही, जो आ रहा हूँ तो आएगा ही, बनेगा योगी कुछ भी कर लियो। तो मोदी योगी दोनों बनेगा, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। और अच्छा, बिहार के आप रहने वाले हैं तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुछ नजर आता है आपको अंतर? उत्तर प्रदेश, बिहार तो बेकार सरकार है, कुर्सी चिपका हुआ सरकार है। कुर्सी चिपका हुआ क्या मतलब? जैसे कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे उधर से इधर पकड़ के रखो, काम हो या ना हो अपना कुर्सी पकड़ के रखो। तो अच्छा, बीजेपी सरकार महंगाई भी बहुत ज़्यादा है लगातार, विपक्ष जिस तरीके से बताता है महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे रोजगार क्यों, अपना काम मेहनत अपना हाथ से करो काम। और युवा भर दिन घूमेगा तो कहाँ से होगा, अपना कोई चीज़ काम कर लो, क्या लगा है कंपनी सरकार सब वो थोड़ी काम दे देगा। इतना आदमी आबादी हो गया है, महंगाई तो हर राज्य में है, हर सरकार में है, चाहे कांग्रेस में होता हो चाहे बीजेपी में हो। 24 सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी सरकार बनेगी 24 में? मैं तो वोट बीजेपी। चाचा कह रहे हैं कि 2024 बीजेपी सरकार बनेगी, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो। यही बनेगी सरकार। अब देखो केंद्र में बैठेगा योगी और यूपी में बनेगी मायावती की सरकार, जब चलेगा ताज, नहीं तो नहीं चल पाएगा। लेकिन मायावती बहुत लुको छपी खेलती रहती है, पता ही नहीं कहाँ है वो। आएगी मायावती यूपी में और योगी बैठेगा केंद्र पे, हाँ ये गारंटी। अगर यूपी में मायावती नहीं आएंगे तो गुंडे बढ़ जाएंगे, योगी आ जाएगा केंद्र पे और किसी और की बन नहीं सकती सरकार यूपी में। यूपी में मायावती आएगी तो योगी सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? हाँ बढ़िया व्यवस्था है योगी सरकार में, हम तो खूब आराम से रोड पर सोते हैं भाई, हमें कोई तकलीफ ना है। और सरकार बन जाती है तो साला रोड पर नहीं सो पाते, दिन दहाड़े में जिलर कपटियाँ उठा के ले जाते हैं। सपा की सरकार में तो दिन दहाड़े ले जाते हैं और दिन दहाड़े डकैती डर जाती हैं। तो योगी सरकार में आप मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है, सपा सरकार में गुंडा राज था? योगी की बढ़िया है और सपा की सरकार ना। तभी तब क्यों आप बता रहे हैं कि योगी जो है केंद्र में जाएंगे, मायावती आएंगी यूपी में? केंद्र में योगी ही जाएगा और मायावती आएगी यूपी में, ये दोनों की सरकार बनेगी। दोनों की सरकार बनेगी, अच्छा लगता है आपको? विपक्ष एक साथ आएगा आपकी? हाँ विपक्ष एक साथ आएगा। विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है? अरे ममता हो गए, ममता बनर्जी हो गई, नीतीश कुमार हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, पार्टी बहुत है ना। 2024 बता रहे हम लोग एक साथ आएंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे ना भाई, यही आएंगे हमारे हिसाब से। देखो जैसी बात हम तो साफ साफ बता देते हैं, हमें तो लेना देना किसी पार्टियों से नहीं है, जो ने दे दिया किसी ने दे दिया तो दे दिया, ना दिया तो नहीं की बात, हमें लेना देना कुछ ना है। चाचा 2024 लोकसभा चुनाव पास है, सरकार किसकी देखते हैं आप, या सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनने के लिए तो अब जो चल रही वही चल रही, और बदलने को बदल बनती है तो कुछ लाभ होता है तो विकास होता है, ऐसे एक एक बनने से थोड़ा कुछ विकास होगा। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, विकास हो रहा है यहाँ पे, सड़कों पर विकास लेने यहाँ पे आया है। हमारी गली कच्ची है, वहाँ निकलना मुश्किल है, वहाँ निकलने की जगह तक नहीं, गली सब कच्ची पड़ी है। अब नाली के पाइप बिछा, कई नाली बना देंगे, 5,000 रुपया ले गया नाली वाली, कई नहीं पाइप डाल दिए, वो पानी भरता है ना निकल पाता है। विधायक कौन चाहता है यहाँ का? सुखबीर सिंह कोई यादव है या कोई। विधायक कौन है? कोई अब नाम नहीं मालूम कोई है। आपको नाम नहीं मालूम, तो समस्याओं को लेकर आप लोग विधायक पास जाते हैं, सांसद पास जाते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं समस्या सुनने? कोई नहीं सुनता है, ये नेता लोग सुनते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, बाद में थोड़ो कोई सुनता है, कहीं ढूंढे नहीं मिलते हैं, कहाँ जाओ, कोई टाइम क्यों खराब अपना करे, कुछ काम करे वो भी बंद हो। तो 24 में आपको लगता है मोदी फिर से आएंगे, विपक्ष आएगा? ठीक है कहाँ आएंगे। पीएम कौन बनेगा अगला, पीएम कौन होगा आपके हिसाब से? पीएम तो अभी हैं वही होंगे, और 24 में कौन होगा? अब 24 में अब चुनाव ये तो बताएगा, अभी क्या बता दें कौन होगा। फिर भी कुछ रुझान तो लग रहा होगा आपको सरकार में महंगाई को लेकर, अगर विपक्ष लगातार बोलता रहता है? अब सरकार बदले तो पता लगे कौन, वोट पड़े उसके बाद पता लग जाता है कौन बनेगा, अब इस वोट ही नहीं पड़े, वोट कोई बात ही नहीं है, अब जनगणना तक नहीं हुई, यहाँ वोट भी नहीं है बने, सब खाली है, बिना वोटर के हैं सब, ऐसे ही रहते हैं, बाहर के लोग हैं उनके वोट बने तब तो वो डालें, उनके वोट ही नहीं। बिल्कुल। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाय कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव बड़ौदा से। कहाँ से? हापुड़ से।
हापुड़, हापुड़ में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? राशन हुआ या शौचालय हुआ, आवास हुआ? यहाँ पर गांव पे मिलता है, हमारे में बड़ौदा में मिल जाता है। इस सरकार से खुश हैं आप या बदलाव चाहते हैं? अरे भाई, हम तो इस बात की पता नहीं, मैं तो हम तो इस बारे में इस बात में जानते नहीं हम तो कुछ। तो कैसी सरकार आपको चाहिए? हमें अच्छी सरकार चाहिए, बढ़िया चाहिए। भैया क्या नाम आपका? प्रेम नाम है मेरा। कहाँ रहने वाले हैं? फरुखाबाद का। फरुखाबाद में विकास हो रहा है? हाँ भैया, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वहाँ। तो सरकार कैसी चाहिए आपको 2024 में, किसकी तरफ देखते हैं? भैया जिसकी भी आए सही आए बस, जे और कुछ नहीं है मतलब, यार काम होना चाहिए किसी की भी सरकार आए। इस सरकार में काम हो रहा है, विकास हो रहा है आपको लगता है? भाई विकास का यार ये क्या है यार, थोड़ा बहुत काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं, नहीं काम हो रहा, काम तो हो रहा है, कुछ ये काम धाम नहीं मिल रहा है लोगों को यार, बेरोजगारी सब पे आना और कुछ नहीं है, यही विकास, विकास का विकास, यही चाहिए काम लोगों को, काम धंधा चाहिए और क्या चाहिए भाई। सरकार जो बोलती है लगातार हम विकास कर रहे हैं, या विकास गंगा बह रही, सड़कें बन रही हैं, पहले भ्रष्टाचार बहुत था, या पहले आप कह लें कि त्यौहार पर दंगे होते थे, तो आपको लगता है कुछ? दंगे तो भाई नहीं हो रहे कुछ भी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कहीं पे भी। तो सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट। किसकी सरकार लाएंगे आप 24 में? भैया किसी की भी सरकार है, मुझे नहीं किसकी सरकार लेके आए, हम किसी के ऊपर नहीं बोलते हैं भाई, किसी की भी सरकार आए भाई ऐसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहा है। बिल्कुल, बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम भैया आपका? चंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो इस सरकार से खुश हैं आप या 24 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम तो खुश हैं, हम तो गरीब आदमी है, जो हुआ सो होगा, आप क्या कर सकते हैं। तो 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हैं 24 में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार देखिए, अब हमें तो जो बढ़िया दिखाएगा उसी को सरकार बनाएंगे। बिहार में आपको लगता है अच्छा काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है? बिहार में तो हमारे अभी जब से नीतीश जी आए हैं तब से काम अच्छा ही हो रहा है, खराब तो हुआ नहीं है। अच्छा, लोग बोलते हैं नीतीश की कानून व्यवस्था में और योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में बहुत अंतर नजर आता है। अब अंतर तो जा ही रहा है, और ये इधर दूसरा सिस्टम है, उधर उधर दूसरा सिस्टम है। 24 में कौन आएगा? 24 में देखिए मोदी का भी चांस है, बिहार का, वो भी आ सकते हैं, क्योंकि मोदी भी आ सकते हैं बिहार में, है ही अभी तो।